जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एवरीबॉडी ध्यान रखो, आज के दिन अपन वर्कआउट करने वाला है टायर का, ठीक है। एवरीबॉडी टायर का वर्कआउट करने वाले सभी, इससे क्या फायदा होने वाला ध्यान रखो। इससे तुम्हें दौड़ते समय 1600 मीटर रेस के टाइम साइज में पावर होना जरूरी है। साइज में पावर अगर है तो तुम आखिरी तक टिके पाएंगे, समझ गए। आखिरी तक अगर तुम्हें टिकना है तो साइज में पावर होना जरूरी है। ये टायर का वर्कआउट हफ्ते में एक दिन करना जरूरी है। टायर का वेट होता है, बड़े टायर का वेट 20 से 25 केजी के आप, ठीक है, 20 से 25 केजी से ज्यादा ही वेट है इसका। इसके लिए इसका 5 से 10 एक साइज है, ठीक है, 6 से 7 8 एक साइज अपन यहाँ पे रिकवर करेंगे। उसका हर कोई एक साइज तुमने हफ्ते में एक दिन करना जरूरी है। करने के लिए रेडी फिर साहब? यस सर। करते समय पहले टिप्स मारेगा, ठीक है, ये पोजीशन से आगे टिप्स आप ये उठा के देखो साइज का, ये साइज से उठाना है, पल्टी मारना है। पल्टी मारने के बाद फिर से डिप्स, फिर से यहाँ पे एक साइज उठा के पल्टी मारना है, लाइन टू लाइन सब एक ही साथ पल्टी मारना है। पल्टी मारो ठीक से, देखो ऐसा नहीं आती है, ऐसे पल्टी मारो, एक साथ पल्टी नहीं करेगा कोई। अब रोकना है थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त के लिए, दोस्त आप डिप मारना, डिप प्रॉपर नीचे जाके ऊपर उठना है। डाउन में बोला जब तक डाउन डाउन अप बल्टी डाउन। ये दोनों पैर आगे नीचे रहने के बाद, ठीक है, ऊपर आने के बाद जम के साथ नीचे रहना है और आज कैसा रहेगा ये पूछ रहेगा, ठीक है। ये पूछ के याद करो सभी करो, ठीक है, समझ आएगा आपको। बोला रिलैक्स मेरे साथ डाउन अप डाउन अप जम मारो जम नहीं जम मारना ठीक है। अप डाउन जाओ नीचे, अप जाओ नीचे, जम डाउन जम अप डाउन जम। टायर को इस साइड से पकड़ना है, बाहर पकड़ना है, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, पोजीशन से पकड़ने उठा, ठीक है, यहाँ से एक ही तरफ से उठाना है, हाँ उठा, ठीक है। यह पोजीशन से छोटा जंप रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा जंप नहीं करना है, छोटा छोटा जंप करते हुए वहाँ तक जाना है, वहाँ से रिवर्स यहाँ तक आना है, समझ गए सभी। यह पोजीशन से पकड़ेगा सब, ठीक है। अब स्टार्ट, धीरे धीरे पूरा लाइन कवर करो, अपना लाइन कवर करो, धीरे छोटा एक साथ बोला से, देखो ये पोजीशन से ये कदम रहेगा आगे, ठीक है, ये कदम आगे दिखाई दे रहा सबको, हाँ, और हाथ का मूवमेंट ये देखो, ये कदम तो याद, ठीक है, ये कदम तो याद, ये पोजीशन से हल्का सा कमर से आगे झुके हुए, ये पोजीशन से देखो पैर हल्का सा लगा रहा उसको, ठीक है, चारों के चारों एक साथ करेगा, ठीक है, पोजीशन ऑन मोर सेट गो स्टार्ट। हाथ मूवमेंट करना, हाथ मूवमेंट हल्का पावर में करना, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, दोनों पैर क्लोज है, मिला के रखे कमर पे हाथ रखा है, यहाँ से जब मारूंगा
आप यहाँ पे जब मारने के बाद बी कंटिन्यू यहाँ पे जब मारेगा, यहाँ से उल्टा जब मारेगा फिर से स्टार्ट, फिर से सबका जम होना चाहिए ठीक है, सबका जम इधर इधर से भी घूमते टाइम सबका जम होगा ठीक है। गिनती करता देखो, पहला जम इधर होगा एक, दूसरा बाहर होगा, गिनती का उधर होगा एक दो फिर से तीन चार ठीक है, वन टू थ्री फोर जम रिवर्स करते रहो कंटिन्यू, दोनों पैर मिला के रखो, जल्दबाजी मत करो, शाबाश 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 वेरी गुड जम, दोनों पैर मिला रहे टैंगो, जम 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 जम, दोनों पैर मिला जम, अभी बैठना है, उठते समय आप करना ट्राई, फिर छोड़ देना है, फिर से नीचे जाना है उठाना है ठीक है, फिर से छोड़ देना है ठीक है, फिर से नीचे जाना है, फिर से उठते समय टायर उठाना है, इधर वो करना मेरे तरफ डाउन अप छोड़ो 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 डाउन छोड़ो अप और यहाँ से यहाँ से फोड़ करने के बाद दोनों हाथ यहाँ पे रखना है, अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक, समझ गया तभी सर, याद रखने के बाद दोबारा और हिली वाला कर सकते हैं, ये पूछ लीजिए आप ठीक है, उतना पीछे जाते रहेगा उतना भी पीछे जा सकते हो, नहीं पड़ा भी खेल, अरे आप मत क्या था उस टाइम को करो, अप बैक आप पूरा आ गया हो, बैक आप बैक मेरे साथ आप बैक पूरा भी आ गया हो, अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक, बीच का दिन मार के कंटिन्यू स्टार्ट पास वन पूरा भी आ गया हो, लेकिन टू थ्री फोर फाइव स्टॉप सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिर्फ अलग आप सिक्सटी सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स मार दो बैक अप बैक अप अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक अप बैक सब अपने जिम पे आंदो आंदो आ लेट के रखो सब सब लेट के रखो प्रेस करके रखो थोड़ा आप फिर से बैक आप फिर से बैक आप बैक